नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपी एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की हालत ठीक नहीं है, बावजूद इसके वह अस्पताल में भर्ती होने को तैयार नहीं। बता दें कि स्टैन स्वामी पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वो अस्पताल में शिफ्ट होने के बजाय जेल में मरना पसंद करेंगे। स्टैन स्वामी जस्टिस एस जे काठावाला और एसपी तवड़े की बेंच के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस काठावाला ने स्वामी से पूछा क्या सेहत सुधरने तक वो जेजे अस्पताल में भर्ती होना चाहेंगे, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। स्वामी ने कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की। स्टैन स्वामी पिछले 8 महीनों से मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। स्टैन स्वामी ने कहा कि वो 2 बार जेजे अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। बेंच ने स्टैन स्वामी के मेडिकल चेकअप के लिए तलोजा जेल प्रशासन से उन्हें जेजे सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए कहा था। उन्होंने स्वामी से पूछा कि क्या ऐसा किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया। स्वामी ने कोर्ट को बताया कि जेल में पिछले 8 महीनों में उनकी सेहत काफ़ी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले जब वो जेल आए थे तो चल फिर सकते थे, लेकिन इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार गिर रही है। कोर्ट ने स्टैन स्वामी से किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती होने का विकल्प पूछा, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। स्वामी ने इसकी बजाय अंतरिम जमानत की अपील की और कहा कि वो रांची जाना चाहते हैं। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। स्वामी को 8 अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दोनों कानों में सुनने में भी तकलीफ है और कई बार जेल में गिर भी चुके हैं। महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को दलित समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम हुआ। यलगार परिषद ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ ने तमाम वाहन जला दिए थे। दुकानों मकानों में तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई, कई लोग जख्मी हो गए। इस मामले में माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।